चाय लीजिए। अचानक शास्त्री जी ने बुलावा क्यों भेजा है? ये तो शास्त्री जी ही जाने, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। तभी तो चिंता है। अगर ऐसी बात होगी तो शास्त्री जी संकट हटाने का कोई रास्ता भी बताएंगे। शास्त्री जी ज्ञानी हैं। हम शास्त्री जी को गुरु के स्थान पर रखते हैं। चिंता मत करो, मैं शास्त्री जी से मिलकर आता हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ, भाई धंधे और दुश्मनी में क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। प्रणाम शास्त्री जी। आयुष्मान भव। अहो भाग्य हमारे जो आपने हमें याद किया। वैसे भी शास्त्री जी मैं आपको मिलने आने ही वाला था, लगता है आपके दिल ने हमारी बात सुन ली। बोलिए क्या आदेश है? आदेश? क्या बात है शास्त्री जी? कुछ बात है जो हमें बेचैन कर रही है। आपको बेचैन कर रही है? हाँ दुर्गा प्रसाद जी, आपकी कुंडली ने हमें बेचैन कर दिया है। क्या बात है शास्त्री जी, आप साफ साफ कहिए। कहना ही पड़ेगा, आपको सच बताना हमारा कर्तव्य है। दुर्गा प्रसाद जी, आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन है, ऐसा आपकी कुंडली बता रही है। हो सकता है वो आपकी किसी पुरानी दुश्मनी को उजागर कर दे, या आपके खानदान के नींव को हिलाकर रख दे, या आपके अहंकार को ठेस पहुंचा दे, ऐसा आपकी कुंडली बता रही है। लेकिन इसे सुलझाया भी जा सकता है, दुश्मनी से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। अगर आपने ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की तो दुर्गा प्रसाद जी इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। मुबारक हो भैया, आज से आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। नई जिंदगी से कहीं ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि 20 साल हमने जेल में गुजारे। 20 साल यानी कि पूरी जवानी हमने घुट घुट कर शलाकों के पीछे गुजार दी। एक एक दिन, एक एक रात हम मर मर के जीते रहे। हमारे जज्बात मर गए, हमारी आंखें सूख गई, बस बाकी बचा तो ये जिस्म जो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। भूल जाइए भैया वो दिन, अब तो आप आजाद हो गए। हाँ, मगर जेल के घुटन भरे अंधेरों में हम भुला नहीं पाए उसे, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी नरक बन गई। दुर्गा प्रसाद चौहान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुर्गा प्रसाद चौहान। प्रणाम शास्त्री। जय माता दी। माता जी आपकी बची हुई जिंदगी सुखमय व शांतिमय करें। आप बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं शास्त्री जी, आप तो जानते ही हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की मदद की है, कभी कोई बैर भाव नहीं रखा। सच पूछिए तो हमने दूसरों को खुशियों के फूल ही बांटे, पर न जाने क्यों भगवान ने हमारा दामन कांटों से भर दिया। ऐसा क्यों शास्त्री जी? जो बीत गया वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल था, ऐसा समझकर उसे भूल जाइए रणजीत सिंह जी। कर्म बुरे तो दुर्गा प्रसाद चौहान के भाई सूरज प्रताप के थे शास्त्री जी। लेकिन दुर्गा प्रसाद को आपने उसके कर्मों की सजा तो दे दी ना ठाकुर साहब। उससे कहीं ज्यादा सजा तो हमने भुगती है शास्त्री जी, हमारी मासूम बहन राधा ने भुगती है। हम जेल की दीवारों में घुट घुट कर जीते रहे और ये सोचते रहे कि ये सजा हमें क्यों मिली। आखिर गुनहगार कौन था, हम या हमारी बहन राधा? ये तो क्या कह रही राधा? ये सच है भाभी, सूरज प्रताप सिंह का बच्चा मेरी कोख में सांस ले रहा है। हे
हे भगवान, यू क्या कर दिया राधा तूने? धोखा हुआ है भाभी, धोखा। सूरज प्रताप सिंह ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और अब इस बात से इनकार कर रहा है कि मेरी कोख में उसका बच्चा है। वो ऐसे कैसे मुंह फिरा सके? क्योंकि वो डरपोक है भाभी। पर हम तो चुप नहीं बैठेंगे, सूरज प्रताप का ब्याह उनको जा रहा है। इसीलिए आपको बताया भाभी, अगर सूरज प्रताप सिंह कहीं और शादी करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी भाभी। ये शादी हमें रोकनी होगी खुशवंत, ये शादी हमें रोकनी होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो ठाकुर? हमें अपने भाई पर पूरा भरोसा है। ये सच्चाई है दुर्गा प्रसाद, मेरी बहन गर्भवती है और वो बच्चा सूरज प्रताप का है। नामुमकिन, परसों मेरे भाई सूरज प्रताप की शादी है, आप जानबूझकर आग लगाना चाहते हैं। दुर्गा प्रसाद, बेहतर होगा कि आप ये बात अपने भाई सूरज प्रताप से पूछ ले। सूरज प्रताप, ठाकुर क्या बोल रहे हैं? भैया, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे खानदान के नाम पर आ जाए। झूठ बोल रहा है ये, मैं सच कह रहा हूँ दुर्गा प्रसाद, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये नहीं, हम चौहान हैं। हम भी ठाकुर हैं चौहान। जाइए अपनी बहन से पूछिए कि उसके पेट में किसका पाप पल रहा है। जबान को लगाम दे चौहान, हमारी सभ्यता को मत ललकारिए। सभ्यता? कैसी सभ्यता ठाकुर? शादी से पहले घर की बेटी रंगरलिया मनाकर मौज मस्ती करके अपने माथे पर कलंक लगा लेती है। गलती सिर्फ हमारी बहन की नहीं दुर्गा प्रसाद, गलती तुम्हारे भाई की भी है। हरगिज नहीं, हमारे खानदान में कोई ऐसे घिनौने काम नहीं कर सकता, हमारे संस्कार इतने गिरे हुए नहीं है। हाथ है कमीने पर की। पता नहीं किसका पाप है वो। चौहान, आप जाते हो कि धक्के मार कर बाहर निकाल दूं आपको। राधा, ए राधा, 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 ए राधा, राधा। क्या हुआ रे? राधा, राधा, राधा। भैया, ये क्या हो गया? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता चौहान, कोई नहीं बचा सकता। ये क्या पागलपन है रंजीत? तुम्हारे डरपोक भाई की गलती का नतीजा है ये। धोखा देना तुम्हारी रगों में है चौहान, मगर कलंक उठाकर जीना हमारे खानदान की रीत नहीं है। हमारी बहन ने सच्चा प्यार किया था तुम्हारे भाई से, मगर इसने उसे धोखा दिया, उसकी जान ली। अब इसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। भैया मुझे बचाओ भैया, तुझे मरना होगा सूरज प्रताप। रंजीत, पाप करके भी दुर्गा प्रसाद आराम की जिंदगी जी रहा है और हमें 20 साल की कैद। जो हुआ उसे भूल जाओ ठाकुर, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। हम तो आप पर श्रद्धा रखते हैं शास्त्री जी, सो आशीर्वाद लेने चले आए, पता नहीं जिंदगी किस राह ले जाए। सावधान, सावधान रंजीत सिंह। लो जी चाय। आ जाएगा विक्रम, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अब तक तो आ जाना चाहिए ना। आ जाएगा, चिकन गया रेलवे स्टेशन पे। कम से कम फोन ही कर देता, आखिर ये मोबाइल फोन है किस लिए? फोन ना मिल रहा होगा। अली, अकेला आया? और विक्रम, लगता है रात वाली ट्रेन से आएंगे। ठीक है जाओ। कमाल हो गया, उसको मैं एक फोन तो कर देता। हम यहां चिंता में बैठे हैं, विक्रम पता नहीं कहां रह गया होगा।
ए मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ छिपकर हम लोगों का डांस देख रहे थे? तो तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों का डांस देखते हो? तो आदमियों का डांस देखना चाहिए। देखो तुम जानते नहीं हो हमें। वैसे डांस अच्छा है, बड़ी नकचड़ी है। हटो यहाँ से, ये गाड़ी मेरी है। ये गाड़ी इसकी है? तो उस्ताद ये किसकी है? ये हमारी है। तो उस्ताद गाड़ी भी आपकी हुई? तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं कि लड़की से किस तरह से बात करनी चाहिए? उस्ताद ये तो बड़ी बिजली है, बड़ा करंट है इसमें। तो इसका करंट खत्म कर दे। तो करो ना फिर। तुम लोग मुझे अभी जानते नहीं हो। जानते हो मैं कौन हूँ? तू हमें जाने है? तुम पहले मुझे जान लो। उस्ताद जी को जाने हो? पहले तुम मेरी बात सुन लो। मैं दुर्गा प्रसाद चौहान की बेटी हूँ। हमारे उस्ताद जी का नाम जाना था ना? अरे ना रक्षा बंधन ना भैया दोज, तुम कैसे आए भाई? अच्छा यू नहीं आ रहा है बीच में? थैंक्यू एंकू, कुछ नहीं। मारेंगे अजीब दुनिया भाई। आई स्पीकिंग चिली डी सूजा। मम्मी को फोन देना। ओके मालकिन, मालकिन आरती दीदी का फोन है। आरती कहाँ हो तुम? मैं सीतापुर में हूँ मम्मी। अभी किसी भी वक्त तुम्हारे बाबूजी घर आते होंगे। इतनी देर कर दी, उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? इमरजेंसी में रुकना पड़ा मम्मी, और काफी रात भी हो चुकी है, कार भी खराब है। अब मम्मी हम दो दिन चंद्र रुक कर आ जाएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? ओफो मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? तुम अपने पिताजी को समझा देना, मेरी मानेंगे नहीं वो। एक मिनट मम्मी, आप चंदा से बात कर लो। मम्मी का फोन। हेलो, प्लीज चाची जी, दो दिन की तो बात है, आरती हमारे घर रुक जाएगी, उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ठीक है चंदा, आरती से कहना एक बार अपने पिताजी से बात कर ले। ठीक है चाची जी। देखो छोटे ठाकुर, हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसके लिए आपको पछताना पड़े। होशो हवास पर काबू रखना, वो आपकी उम्र में बहुत जरूरी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा शास्त्री जी, मैं तो अपने परिवार की सुख शांति के लिए यह करवाना आया हूँ शास्त्री जी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आरती बेटे, आप अचानक? हम तो गुरुदेव पर आजकल तो गुंडे भी शरीफों के लिबास में घूमते नजर आते। हम समझे नहीं जी। वो आरती चुप्पी करो। वेंकट, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। नहीं गुरुदेव, मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा बेटी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जीते रहो।
क्या बात है? कुछ नहीं गुरुजी। प्रणाम शास्त्री जी, इतनी रात गए आपका फोन, कहिए क्या आदेश है, जान हाजिर है आपके लिए। ठाकुर साहब, आपकी जान तो हमारे पास है। हम कुछ समझे नहीं। ठाकुर साहब, आपका बेटा विक्रम इस वक्त हमारे पास है। क्या, आपके पास? पर क्यों? आशीर्वाद लेने आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बताया नहीं उसने, इस बात से हम बहुत परेशान। इसीलिए हमने आपको फोन किया। विक्रम बड़ा संस्कारी लड़का है, जानते हैं आप विक्रम यहाँ पर क्यों आया है? नहीं तो? आपको सुरक्षित आयु मिले, आरोग्य मिले, पूजा पाठ और यज्ञ करने आपका बेटा आया है यहाँ पर। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कार्य है शास्त्री जी, फिर तो हम सभी कल। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें 2-3 दिन लग जाएंगे पूजा पाठ, उसके बाद आप आइए। चलो ठीक है, विक्रम आपके पास है, इससे अच्छी और क्या बात होगी। प्रणाम शास्त्री जी, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। अरे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा मेरी जाने मन, रुक तो जा, मेरा रास्ता छोड़ दो। हाँ, अरे कैसे रास्ता छोड़े मेरी अनारकली, हमें पता है तुम कहाँ जा रही हो, मगर मेरी जाने मन, गुल बदन, मेरी सोन पापड़ी। अरे उस चिकन में क्या रखा है, मुझे देख, इस कबाब को देख, देख रे, अरे देखना। अबे भूतनी के चुड़ैल की औलाद, केले के चिक्के, मेरा दिल है, मैं जिसे चाहूँ उसे दे दूँ। हाँ, वो लंगर में खाने बढ़ता है ना, वैसे दिल मत बांटो मेरी जाने मन। अरे मुझे देखो, इस कबाब को देखो ना, अरे देखो तो इस कबाब को, एक बार तो देखो। हाय हाय, क्यों राजा, कितना खूबसूरत है तू, अब ले, कद्दू जैसी तेरी शक्ल, शिमला मिर्च जैसी नाक, गाजर जैसी पतली पतली टांगे, करेले जैसी कड़वी जुबान, मेरा प्यार चिकन, मेरे दिल की धड़कन चिकन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अरे छी, अरे हम चौहान के नौकर है और वो तुम्हारा चिकन ठाकुर का नौकर है। चौहान साहब की बंदूक चल गई ना तो तुम्हारे चिकन का भेजा फ्राई हो जाएगा, भेजा फ्राई। इसलिए मेरी बात मान, मेरी बात मान। देख अपनी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, तू जो मैं अक्टूबर, इधर आजा, 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 अक्टूबर। कभी गधे और हिरनी की जोड़ी देखी है? नहीं, नहीं ना, तो ये ले। गधा, मैं गधा? अरे वक्त आने पे सब पता चलेगा, गधा कौन, मैं या वो चिकन। हाँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। समझ गए ना बेटा? हाँ गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम। आयुष्मान भव। आरती बेटी, कहाँ की तैयारी है? यहाँ आए और दुर्गा माँ के दर्शन किए बगैर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, हम पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहे हैं। अवश्य अवश्य जाओ, आज का दिन भी बहुत शुभ है, और देवी माँ से मनचाहा आशीर्वाद भी मांग लेना। जी प्रणाम गुरुदेव। अच्छा चाचा जी, हम चलते हैं। आयुष्मान भव। सब अच्छा होगा। ओ जी, सुनो जी, चिल्ली चिकन जी, चिल्ली कितना प्यार करते हो हमसे, बताऊं? हाँ, जैसे जमीन ने आकाश से किया, शेर ने शेरनी से किया, आम ने गुठली से किया, और मेंढक ने कीचड़ से किया। ओए होए, चलो बोलो, बात आगे बढ़ाओ जरा, किस तक ना बढ़ाओ ना आगे, चलो बढ़ाओ, होए बढ़ाओ ना, एक बार जरा नजदीक तो आ। अरे ऐसे नहीं तो फिर, अरे धीरे धीरे सब बताऊंगा, क्या लियाऊं मैं, गोली वो तो मेरी जेब में है। अरे बाबा वो नहीं, फिर मेरा मतलब शादी, मंडप, लगन, पंकज सिंदूर भी आएगी, हैं, बैंड बाजा भी आएगा और सहनाई भी बजेगी। अबे तू हमारे पीछे क्यों लगा है? ये आखिरी बार पीछा कर रहा हूँ, मेरा दिल भर आया है रे, तुम दोनों का प्यार देख के मैं भगवान से मन्नत मांग कर आ रहा हूँ, ये लो प्रसाद। पोहा, पोहा,
अरे बाप, तुम बहुत अच्छे हो ना, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। हाँ बहुत। अरे मेरी सावन की हरियाली, मेरी गुलाब की डाली। सुनो, मेरा दिल रखोगे ना? अरे दिल क्या, मैं तो तुम्हें भी रखूंगा मेरी चमेली। खाओ मेरे साथ। बाबा ना ना, ये तो तुम दोनों के लिए है। नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, दिल नहीं तोड़ा, मैंने दिल नहीं तोड़ा। हेलो मेरे जानू, पानी दे, दे दे पानी, पीने को नहीं दे, धोने को, पानी दे, पानी दे, पानी, पानी दे। क्या कर रहे हो? फोटो क्यों खींच रहे हो? तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। देखो औकात में रहो वरना पछताओगे। आरती, एक मिनट चंदा, कौन हो तुम? तुम्हारे जैसे आवारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बगैर हमारी फोटो खींचने की? आप नाराज मत होइए आरती जी। तुम अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। सच्ची? बड़े बदतमीज हो तुम। लाओ मुझे तो कैमरा। ये क्या करती हो? फोटो बहुत अच्छी आऊंगी, घर भिजवा दूं, अच्छी लगे तो रख लेना। बड़े बदतमीज हो तुम, एक तो रहा चलते हमारी तस्वीर खींच रहे हो। ये काम कभी कोई खानदानी लड़का नहीं कर सकता और ना ही कभी कोई शरीफ घर का लड़का ऐसी हरकत कर सकता है। लोफर, बदबू कहाँ से आ रही है? चल चिल्ली चलते हैं। हाँ जानू, प्यार के दुश्मन तो प्यार और पाप धोते 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 थक गए होंगे ना। चल चिल्ली चलते चलो। अरे सुनो रे, अरे सुन तो लो, अरे जाते जाते एक बाल्टी पानी तो दे जाओ। ऐसे ही पीछे पीछे जाना, पीछे बड़ा जोर है। और धोने के बाद नहाने से पहले मेरे सामने कभी मत आना, समझे? चलो जानू। अरे रुको रुको, अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुम दोनों को नहीं लाऊंगा मैं यहाँ, छोड़ूंगा नहीं। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? शास्त्री जी से थैली तो हमन करवा रहा विक्रम। अरे वो सब तो ठीक है, मगर आप हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पूरे 20 साल तक हम अपने परिवार से दूर रहे, हमें विक्रम को अपनी गोदी में खिलाना था, उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करनी थी, उसके साथ खेलना था, घूमना था। मगर सब इच्छाओं पर पानी फिर गया। और आज जब हम आजाद हैं, तो हमारा साहबजादा हमसे दूर है, हम बस और नहीं रुक पाएंगे। कह देते हैं कल ही जाएंगे शास्त्री जी के पास और उसे कान से पकड़ कर लेकर आएंगे। अरे सब ठीक हो जाए। दिली, साहब के कपड़े प्रेस करके तैयार रखो, जाओ। हम कल सुबह निकलेंगे और आरती को भी साथ ले आएंगे, इसी बहाने शास्त्री जी के दर्शन भी हो जाएंगे। पता नहीं ये आरती चंदा के घर पे क्यों रुक गई। आरती, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए ना हमारे? हाँ दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। चलो, आज तो बड़ी नमकीन लग रही है, बहुत दिन से निखाती तेरे पे, आज कहाँ बच के जाएगी। नखरे मत दिखा, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, बचाओ। सुनिए सुनिए, वो गुंडा हमारे पीछे पड़ा है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। क्या तो भाग गई, लेकिन आरती मुसीबत में। आरती प्लीज प्लीज। तुम घबराओ मत चंदा, मेरे होते हुए आरती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं उस कमीने को अभी जाकर ठीक करता हूँ। लो तुम कैमरा संभालो, ध्यान से रखना, इसमें आरती की फोटो है। हे भगवान,
तुम कहाँ हो आरती? बचाओ! चंदा मुझे बचाओ! कहाँ हो तुम? आरती, आरती तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम घबराओ मत आरती, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से लेके जाऊंगा। आओ मेरे साथ। अब गौर से सुनो विक्रम, हमें बार बार समझाने की आदत नहीं है। सब जानते हैं कि हम सिर्फ फैसले करते हैं और सबको अमल करना होता है। अगर आरती हमारे दुश्मन दुर्गा प्रसाद की बेटी है तो आज के बाद तुम उससे नहीं मिलो। बात दरअसल, हमें जवाब मत दो। हमारी बात काटने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। हमने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर होता है। आज हम तुम्हें सावधान की दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। रजनी, समझाओ अपने बेटे को। जसवंत, आओ। देखा मां, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनना चाहते पापा। मुझे भी अपने मन की भावना कहने का मौका मिलना चाहिए। आकुर खानदान की दीवार अहंकार पे टिक रही। बेटा, तेरे मन की भावना की कोई कीमत नहीं। कीमत है इज्जत की, खानदान की, अहंकार की। तेरे मन की बात कोई नहीं सुनेगा। के नाम बताया था तन्ने दुर्गा प्रसाद की छोरी का? जी आरती। आरती, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते आरती। क्या कर रहे हैं आप? जवान समझदार बेटी पे कोई इस तरह हाथ उठाते हैं? हमें समझाने की कोशिश मत करो लक्ष्मी। अगर इस लड़की को जरा सी भी सीख दी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या किया है आरती ने? क्या किया है, क्या किया है? ये रंजीत के लड़के से प्यार करती है। एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे कुछ आदर्श हैं, कुछ उसूल हैं। उन्हें तोड़ने वाले को हमें कोई भी सजा देनी पड़े हम देंगे, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो। मेरा खून खोलता है जब मैं रंजीत को देखता हूँ या उसके खानदान को देखता हूँ। वो कातिल है हमारे भाई का। 20 साल की सजा तो काट चुका है रंजीत सिंह, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया है। बेहतर इसी में होगा कि तुम रंजीत सिंह की वकालत करना बंद करो। समझाओ अपनी लड़की को कि दोबारा विक्रम से मिलने की कोशिश ना करे। चुप हो जाओ ना रो बेटी, ना रो। चौहानों के जिस्म में दौड़ता है नफरत का खून। तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी जज्बातों की कोई कीमत नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? मेरा बेटा होते हुए भी मुझसे जबान लड़ाता है वो। तुम छो में ना हो, आखिर बेटा तो थारा ही है। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम चिंता ना करो, बालक है वो, मैं समझा दूंगी विक्रम। उसे समझाओ रजनी, बड़े शर्म की बात है। आरती हमारे दुश्मन की बेटी है। अपने दुश्मन की बेटी को घर की बहू बना ले, ये कैसे हो सकता है? ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पर मैं, मुझे समझाओ मत रजनी, मैं जो कहता हूँ उसे समझो बस। मुझे अपने खानदान की इज्जत अपने बेटे की इज्जत से ज्यादा प्यारी। क्या सोच रहे हैं आप? आरती को पहले अपनी एजुकेशन पूरी करने दो, आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या है। मैं जब उचित समझूंगा अपनी बिरादरी के किसी खानदानी लड़की से उसकी शादी करा दूंगा। मैं नहीं समझता कि आरती को इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत है। ये सारी बातें आसानी से हो सकती थी। आरती को विश्वास में लेकर समझाते बताते तो शायद मान जाती वो। तुम कहना क्या चाहती हो, आरती हमारी बात नहीं मानेगी? जवान बेटी को समझाने का ये क्या तरीका हुआ? अगर विक्रम आरती से इस तरह मिलता रहा तो जानती हो सोसाइटी में इसका क्या परिणाम होगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि विक्रम और आरती में दोस्ती है या पहचान है या प्यार है। जवान बेटी है, आपसे बहुत प्यार करती है, अगर ऐसे में वो कुछ कर बैठे तो।
की है नफरत की इस आग में, नफरत की इस आग में प्यार का नीर बहाएंगे हम मिलके दिखाएंगे, हम मिलके दिखाएंगे, हम मिलके दिखाएंगे, मिलके दिखाएंगे। सूरज दाएंगे हम मिलके दिखाएंगे, हम मिलके दिखाएंगे, हम मिलके दिखाएंगे। तेरे बिछाले दुनिया हम ना रुक पाएंगे, जोर लगा ले दुनिया हम ना झुक पाएंगे, तेरे बिछाले दुनिया हम ना रुक पाएंगे, जोर लगा ले दुनिया हम ना झुक पाएंगे, तोड़ के सब दीवारे, तोड़ के सब जंजीरे हम मिलके दिखाएंगे, हम मिलके दिखाएंगे, हम मिलके आरती। तुम आ गए विक्रम, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? ये सपना नहीं, हकीकत है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, तुम्हारे इंतजार में तो मैं मर ही जाती। हमें एक साथ जिंदगी गुजारनी है, बरसों तक प्यार करना है, और तुम मरने की बात कर रही हो। जब तुम मुझसे दूर होते हो ना, तो मुझे अजीब सा डर महसूस होता है। तो दूर मत रहना, पास आ जा। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अपने आप से भी ज्यादा है। आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। मगर मुझे बहुत डर लगता है, मेरे डैडी। मत डरो, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती की थी तेरे बाप को जिंदा छोड़ के। बाप तो सांप बन के पहले ही डस गया, अब सपोला भी डसने आया है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं डैडी, हम विक्रम से बहुत प्यार करते हैं, आप विक्रम को कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये गंदी नाली का कीड़ा है, इसका बाप हमारा दुश्मन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को हाथ लगाने की? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी औकात भी नहीं है आरती से प्यार करने की, इसकी सजा मिलेगी। विक्रम, ये तो मैं सपना देख रही थी, मगर ऐसा हो सकता है? डैडी तो कुछ भी कर सकते हैं, विक्रम की जान भी ले सकते हैं, मगर मैं विक्रम को खोना नहीं चाहती। विक्रम ही मेरा प्यार है, मैं विक्रम के बगैर कैसे जी पाऊंगी? बस करो ना विक्रम, ओ माय स्वीट, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। आउच, छोड़ो ना विक्रम। कभी नहीं, तुम्हें तो जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है मेरी बाहों में। कोई देख लेगा। देखने दो, हम अपनी महबूबा से इश्क लड़ा रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं। बस तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मुझे प्यार करने दो, आ जाओ मेरी बाहों में। अरे मर गए ब्रह्मचारी, मेरा जुम्मा ना लो। अबे तू है मुर्गी के अंडे? अरे अंडे का फंडा तो आप
आपने किया? कितनी बार तो कहा था अरे कोई देख लेता तो दोनों की इज्जत मटी में मिल जाती। ये क्या हो गया मालिक आपको? तू है पहले बताना चाहिए था ना। अरे सौ बार कहा था लेकिन आपने छोड़ा ही नहीं। अगर आप मेरा चुम्मा लेते तो मैं अपनी चिल्ली के पास कौन से मुँह से जाता? चिल्ली? ये चिल्ली कौन है? चिकन की चिल्ली हमारी महबूबा। कितना जोर से कसा तुमने। तो तुम भी प्यार करते हो? आओ गले लगाओ। मेरी इज्जत मत लूटो। तुम हमारी इज्जत करते हो, हमें मानते हो? जान से भी ज्यादा। हमारे अन्नदाता है, भगवान जी है। हम पर एक एहसान करोगे? अरे गरीब को क्यों नरक में धकेल रहे हो, आप हुक्म तो करो। हम आरती से मिलना चाहते हैं। चौहान जी की बेटी से? अरे नहीं 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 नहीं, बड़े मालिक मुझे बंदूक पे रख देंगे और उड़ा देंगे, वो पहले ही आपसे नाराज है। कर दी ना, तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे नहीं मालिक, हम आपका काम कर देंगे जरूर। शाबाश मेरे मिट्टी के शेर। यही पे रहता है आपका नौकर चिकन, आरती और विक्रम को वही मिलवाता था। हाँ अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है कमीने। आरती और विक्रम की शादी होकर रहेगी। मगर वो ठाकुर साहब वो हमारे बीच में आ जाएगा ना। अरे उनको पता ही नहीं चलेगा आरती और विक्रम की शादी कब हो गई। नालायक, पता तुझे तब चलेगा जब मैं तेरी हड्डियां तोड़ के तेरे हाथ में दूंगा। अरे कोई है, कोई है, बचाओ। अरे सुनो तो सही, आइंदा अगर विक्रम और आरती को मिलवाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। आराम फोर कहीं का। हाँ हाँ, मेरे बच्चों का बाप होकर ही मरूंगा। ये हुई ना बात जानू। अपनी जान बचा कर रखना, नहीं तो अगली बार वो भी जाएगी, अगली बार वो भी जाएगी। अभी वो प्योर के दुश्मन, प्यार में भी जीने नहीं देते गधे। हमने अपने माँ बाप की बात कभी नहीं टाली, उन्होंने फैसले किए हमने कबूल किए और यही उम्मीद हम अपनी औलाद से लगाना चाहते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे नादानी में अगर गलत डिसीजन लें तो उनको सही दिशा दिखाने का काम माँ बाप का है, और इसी बात को सोच करके मैंने आरती के रिश्ते की बात भवानी के बेटे के साथ चलाई है। मगर मगर हमेशा तुम बीच में बोलती हो, कई बार मना किया कि तुम हमारे बीच में मत बोला करो। भवानी प्रसाद का होता जानती हो, वो हमसे बहुत ऊंचा है, उसके पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, शान और शौकत है, इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता। ये सौदा हुआ, रिश्ता नहीं, रिश्ता भी हो जाएगा आरती। पर डैडी, क्या बात करते हो, तुम अपने डैडी को समझाना चाहती हो? तुम्हारा रिश्ता भवानी के लड़के के साथ होके रहेगा। मगर आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम अपने डैडी को समझाना चाहती हो? क्या वो रिश्ता जो खूनी का लड़का है हमारे खानदान से बड़ा है? विक्रम भी खानदानी है। क्या बात करते हो तुम, विक्रम नालायक है और उसका नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारी जुबान काट कर दूंगा। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मगर आप एक बार आरती की बात तो सुन लीजिए। अरे तुम वो क्या कहते हैं, आरती की पैरवी करना बंद करो। कई बार देख चुका हूँ लक्ष्मी, तुम हमेशा इसके लिए बोलती हो, अगर ये नहीं सुधरी तो हमें सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सुन लीजिए डैडी, मैं जीते जी मर जाऊंगी पर विक्रम के अलावा किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। चुप हो जा बदतमीज लड़की, अपने पिताजी से इस तरह बात करते हैं? बदतमीज, तुम हमसे आंख मिलाकर अपनी जलील हरकत की पैरवी कर रहे हो? जुबान काट कर फेंक दूंगा आइंदा अगर ऐसी जरूरत की तो। ये प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती, असल जिंदगी जी जाती है कुछ उसूलों पर, एक सोच पर। लेकिन मैंने क्या गलत किया है पापा, मैं आरती से प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार पाने की हैसियत है उस दुर्गा प्रसाद की लड़की की? बिगाड़ा तो आपने है विक्रम को, वरना आज ये जरूरत करता हूँ तुमसे ये बात करने की। आप गलत समझ रहे हैं पापा, मेरा दिल जानता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप अपनी पुरानी दुश्मनी को हमारे प्यार के बीच। बस करो विक्रम, तुम उस दुर्गा प्रसाद की बेटी से शादी करना चाहते हो जिसकी वजह से हमारी जिंदगी ना कभी पत्थर हो गई, 20 साल तक हम शलाखों के पीछे घुट घुट कर जीते रहे और आज तुम्हें हमारे दुश्मन की अच्छाइयां नजर आने लगी। अच्छाइयां आरती में है और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो मर जाओ विक्रम,
अपने बाप को जलील करने से पहले या तो खुद मर जाओ या फिर हमारा सर काट कर फेंक दो। मगर याद रखो, जब तक हमारी सांस में सांस है, हम आरती से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। आरती माय स्वीट हार्ट, हमें जल्द से जल्द मिलना होगा। हमें हमारे माँ बाप एक दूसरे से कब तक दूर रख सकते हैं, कहाँ मिलना है, कितने बजे, ये तुम हमारे खबरी कबाब के हाथ संदेश भेजना। तुम्हारा विक्रम। कबाब, कबाब, यहाँ आओ। जी 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 जी। तो तुम खबर पहुँचाते हो? खबर, खबर कैसी मालिक? कितने बजे मिलना है, कहाँ मिलना है? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अबे अभी समझाता हूँ तुझे, खबरी के बच्चे मालिक, मालिक, मालिक मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मालिक, मालिक मेरी गलती। क्या कर रहे हैं आप, रुक जाइए, मर जाएगा बेचारा दिहाई में। ये नमक हराम आरती और विक्रम का खबरी है, देखो इस खबर में क्या लिखा है। मैंने कुछ नहीं किया। निकल जा नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए प्लीज। तुम मसाले वाला दूध बहुत अच्छा बना लेती हो चिल्ली। अरे खाने में भी टेस्ट होता है। चिल्ली एक बात कहूँ? हाँ। तुम बचपन से हमारे बंगले पर पली हो, आरती की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, समझी चिल्ली? हाँ जी मालिक। आज कुछ बड़ी जल्दी ही नींद आ रही है, तो सो जाइए मैम साहब, सो जाइए आराम से। चिल्ली एक बात कहूँ, आरती हमारी जान है और हमारे खानदान की शान है। उस खूनी के बेटे विक्रम का साया भी आरती पर नहीं पड़ना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गई? हाँ समझ गई। ये मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ये तो सो गई। तुमने दूध में कुछ मिलाया है? मेरा सर फटा जा रहा है। तुमने जरूर दूध में कुछ मिला है। नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तो गए। यस। अब दीदी को भागने में कोई खतरा नहीं। आरती, तुम्हें आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद मेरी धड़कनें रुक जाती। मैं क्या करती, मम्मी डैडी जाग रहे थे। कब तक हमें दूसरों की मर्जी पर जीना होगा? हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। कोई हमारे प्यार, कोई हमारे जज्बात, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता। तुम ही बताओ आरती, क्या करते हम? बोलो, तुम मुझे चाहती हो आरती? जान से भी ज्यादा। मुझ पर विश्वास करती हो? मुझसे भी ज्यादा। तो चलो इस नफरत दुनिया को छोड़कर कहीं हम अपनी दुनिया बसाएंगे। बोलो तुम मुझे चाहती हो आरती? जान से भी ज्यादा। मुझ पर विश्वास करती हो? मुझसे भी ज्यादा। तो चलो इस नफरत दुनिया को छोड़कर कहीं हम अपनी दुनिया बसाएंगे। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ विक्रम। यारो आओ तुम मचाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, ले लो इसकी हाथ में, ले लो इसकी हाथ में, ले लो इसकी हाथ में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी दोस्त की बारात में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी दोस्त की बारात में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी दोस्त की बारात में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी दोस्त की बारात में। दिन बाजेगी शहनाई, दिन बाजे
करेगी सहनाई, जिस दिन होगी उसकी सगाई, दिन होगी उसकी सगाई, दिन होगी उसकी सगाई। अरे बोतल पे बोतल खुल जाएगी, बोतल पे बोतल खुल जाएगी, चाहे कितनी हो महंगाई, चाहे हो जितनी महंगाई, चाहे हो जितनी महंगाई। मान लगेगा जब उसका, मान लगेगा जब उसका, लाके वो साथ में, लाके हल्के गात में, लाके हल्के गात में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जितनी यार की बारात में, नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जितनी दोस्त की बारात में। बैंड बजेगा ढोल बजेगा, बैंड बजेगा ढोल बजेगा, यार हमारा खूब सजेगा, यार हमारा खूब सजेगा, यार हमारा खूब सजेगा। अरे बैठ के ढोली सहरा पहने, बैठ के ढोली सहरा पहने, चले गजब तो साहब लगेगा, गजब तो साहब लगेगा, गजब तो साहब लगेगा। उतर के हीरो की तरिया हो, उतर के हीरो की तरिया, नाचेगा हमारी साथ में, नाचेगा हमारी साथ में, नाचेगा हमारी साथ में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी दोस्त की बारात में, नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी दोस्त की बारात में। घोड़ी चढ़के जावेगा, घोड़ी चढ़के जावे, चूड़ा के लावेगा, चूड़ा के लावेगा, चूड़ा के लावेगा। रसगुल्ले खावेंगे, रसगुल्ले खाएंगे, वो भी मारे संग खावेगा, वो भी मारे संग खावेगा, वो भी मारे संग खावेगा। अरे उसकी साड़ी सेट करेंगे, उसकी साड़ी सेट करेंगे, पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी यार की बारात में, नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी यार की बारात में, नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी यार की बारात में, नाचेंगे नाचेंगे सब मिलके, नाचेंगे जिगरी यार की बारात में। आरती कैसा लगा घर? वो आई मीन बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा, सब कुछ तो है यहाँ। सो कम ऑन आरती, हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती करना और निभाना दोनों ही मैं जानती हूँ। तुम लोग खुश तो हो ना? हाँ हाँ बहुत खुश है, तुमने घर दिया, नौकरी दिलवाई। अच्छा तो मैं चलती हूँ, गुड लक, बाय आरती। सुन तो सही, अब कहाँ चली? रात तो होने दो। अरे अब... तक कोई वक्त नहीं होता, हम आगे वाली। तुम दोनों? जहाँ आप दोनों वहाँ हम दोनों। हमारी मालकिन ठहरी राजकुमारी, खाना तो बना नहीं सकती, तो हम आ गए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो चल चल विक्रम रंजीत सिंह ठाकुर, रंजीत सिंह का बेटा, हमारी बेटी आरती को लेकर भागा है। ये उस लड़के की तस्वीर, देखो इसे। इसी लड़के को तो हम ढूंढ रहे थे सर। क्यों? एक बार इससे हमारी मुठभेड़ हो चुकी है, अगर आप ना भी कहते तो ये लड़का हमें जहाँ मिलता वहाँ इसकी जान ले लेते। तो तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है, लेकिन फिर भी इसे खत्म करने की जो भी कीमत होगी हम देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, और ये एडवांस रख लो, बाकी के पैसे काम होने के बाद मिलेंगे, समझे? समझा सर विक्रम। अब गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। चलो, हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी तो जेल की शलाखों के पीछे गुजर गई, और बाकी बची जिंदगी में विक्रम ने जिल्लत भर दी। हम क्या मुंह लेके जाएंगे बिरादरी, लोग क्या कहेंगे कि ठाकुर
रंजीत सिंह का बेटा एक लड़की को लेकर भाग गया और लड़की भी हमारे दुश्मन की बेटी। थोड़ा शांति से सोचो। शांति से सोचने से क्या होगा? क्या आपका लाडला उस लड़की को छोड़कर वापस आ जाएगा? है, लगता है हम तो शर्म से मर जाएंगे। पर विक्रम को ढूंढ के तो लाना पड़ेगा ना। पता नहीं मेरा विक्रम कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? क्या वो हमें कोई खत लिख के गया है, या आप चाहती हैं कि हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें कि हमारा बेटा, हमारा होनहार बेटा हमारे मुंह पर काली पोत कर एक लौंडी को लेकर भाग गया है? अब तो लगता है कि अगर वो हमारे सामने आ गया तो हम उसे गोली से उड़ा देंगे। कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा? जरा खिलने दे तो दिलों को मिलने दे, मिलने दे, मिलने दे, लब से लबों को मिलने दे, मिलने दे, मिलने दे, लब से लबों को मिलने दे। बेकाबू हो गया है बिन मिले न अब ये माने। हे कंट्रोल, काबू में कर लो दिल, तुम बनो मौत में दीवाने। बेकाबू हो गया है बिन मिले न अब ये माने। समझा दे, समझा दे प्यार से इसको, समझा दे, बुझा दे, हाँ बुझा दे मेरे दिल की प्यास, बुझा दे। तुम शाख पे खिलने दे, अपनी निगाहें मिलने दे, मिलने दे, मिलने दे, नजरों से नजरें मिलने दे, बस मिलने दे, मिलने दे, नजरों से नजरें मिलने दे। बेमान हो चुका है मन, इसे रोक न पाएंगे हम। याद करो सब वादे, किस कदर न जानो बहको तुम। छोड़ो
बेईमान हो चुका है मन, इसे रोक न पाएंगे हम। याद करो सब वादे, किस कदर न जानो बहको तू। बहकन दे बहकन दे, अब मुझको तू बहकन दे। बहकन दे बहकन दे, सांस समा में बहकन दे। यार का कवल जरा खिलने दे, दो दिलों को मिलने दे। प्यार का कवल जरा खिलने दे, दो दिलों को मिलने दे। मिलने दे मिलने दे, लब से लबों को मिलने दे। बस मिलने दे मिलने दे, नजरों से नजरें मिलने दे। मिलने दे मिलने दे, लब से लबों को मिलने दे। बस मिलने दे मिलने दे, नजरों से नजरें मिलने दे। कहाँ से आए हो? इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, काम क्या है? हाँ, खबर लाया था मालिक। नहीं क्या है वो, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना 1,00,000 रुपए। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? बुलाऊं पुलिस को? हाँ बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। फिर वो विक्रम साहब को पता है, मैं पुलिस को ही दे दूंगा ना। क्या? हाँ ये लो, पूरे 1,00,000 है। और अगर खबर झूठी निकली तो? अरे साहब, अरे वो सबसे ज्यादा ईमानदारी तो बेईमानी के धंधे में होती है ना। पता बताओ। हाँ पता पता बताता हूँ। क्या हुआ? हम कुछ कहें? नहीं, पहले प्यार कर लो। दिन के 18 घंटे प्यार ही तो करते हो ना। 18 नहीं, 24 घंटे। ऑफिस में भी तो तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं भी तो सोचती हूँ ना। आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं चाहती हूँ कि अब तो हमने शादी भी कर ली है और हमें कोई जुदा भी नहीं कर सकता। हम एक बार मम्मी डैडी से मिलाते हैं ना। हाँ हाँ जरूर, बड़ों का आशीर्वाद तो हमें लेना ही है। बस थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा मामला शांत हो जाए, फिर तुम्हारे मेरे घर होकर तो हमें आना ही है। प्रॉमिस। आई लव यू जितेंद्र। धर्मेंद्र? नहीं नहीं, राजेंद्र। कुची कुची ची मुची। ए जी, ओ जी, सुनो जी, ये क्या कर रहे हो जी? अरे अपने बच्चों के लिए नाम सोच रहा था। ओ जी, कल ही तो हमारी शादी हुई है जी, अभी तो बच्चे होने में देरी है जी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जरा नजदीक आना। ए छोड़ो ना, अभी तो मुझे खाना बनाना है, खाना। अरे खाना बाद में बनाना, दिल प्यार तो कर ले। छोड़े ना। कर रही हो तुम? तुमने तो कहा तुम्हें बहुत काम करना पड़ा, बहुत घूमना पड़ा, थकान होने लगी। तुम्हें इतनी काम करने की आदत भी तो नहीं है ना? पड़ जाएगी आदत, तुम बेफुजूल चिंता मत किया करो। तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शास्त्री जी, क्या बात है? क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? आज तक हमने अपने मन की बात किसी से ना कही, मगर अब चुप रहना मुश्किल हो गया शास्त्री जी। थारी शरण में आए शास्त्री जी, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन दोनों के सिर पर खून सवार है, अब तो तुम ही रोक सकते हो उन्हें। आप ही कुछ करो शास्त्री जी। आओ देखते हैं। आओ,
विक्रम। नमस्ते पापा। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएगा ठाकुर, ये सिर्फ मेरे साथ जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, वरना बाप बेटे को यहीं गोलियों से फोन कर रख दूंगा। विक्रम, सुना नहीं तुमने? बैठो गाड़ी में। तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मुझे आरती से मिलवाओगे? वैसे मैं चाहूं तो इसे अभी यहीं खत्म कर दूं, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी से मिलूं। विक्रम, बैठो मेरी गाड़ी में। किसे धमकी दे रहे हो दुर्गा प्रसाद? बंदूक हमारे पास है, लेकिन खून खराबे से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मैं अपने बेटे को ले जाऊं। चलो विक्रम। तुम मेरी कार में बैठो विक्रम। अरे मम्मी, आप? बेटी विक्रम कहाँ है? वो तो सामान लेने गए हैं चिसा। क्या बात है मम्मी? बेटा, तुम्हारे और विक्रम के पिताजी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते। और भी यहाँ आगे तो? तो क्या हो गया सासू माँ? हम दोनों ने शादी कर ली है और अपने पति के साथ मैं कहीं भी रहूँ हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर दोनों के सर पे खून सवार है। मालकिन मालकिन, सब गड़बड़ हो गया। जंगल में चौहान साहब और ठाकुर साहब ने विक्रम बाबू को घेर लिया। चलो हमें जल्दी जाना होगा। अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? हमें आपकी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब हम शादी कर चुके हैं। आरती जैसी लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं हो सकती। वो बिल्कुल बदतमीज और आवारा है। पापा, आरती मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इस शादी को नहीं मानते। तो मत मानिए, हम बालिग हैं, हमें शादी करने का हक है। मैं तुम्हें जान से मार डालूं। मार डालिए, खुद अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दीजिए, लेकिन इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा। अबे दो कौड़ी के लौंडे, मैं अपनी बेटी को तू जैसे आवारा और बदचलन से शादी नहीं करने दूंगा। क्या औकात है तुम लोगों की? जो भी हो, मैं अपनी बीवी को इज्जत भरी जिंदगी दे सकता हूँ। विक्रम, तुम पागल हो गए? इतने फालतू खानदान की बेटी हमारी बहू नहीं हो सकती। भगवान को लगाम दे रंजीत, हमारा खानदान आवारा और बाजारू है। 20 साल पहले ही अगर एक गोली तुम्हारे भेजे में भी उतार दी होती तो आज ये दिन आता ही नहीं। अब तू मरेगा और तेरा बेटा भी। रुको, ये क्या कर रहे हो? आज हमें मत रोकिए शास्त्री जी। मत रोकिए शास्त्री जी, आज फैसला हो जाने दीजिए। आज शास्त्री जी, या तो ये बचेगा या मैं। खबरदार डैडी, अगर मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो। बदतमीज, मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी का अपमान करने की कोशिश मत करना। बस बस बहुत हो गया। अब अगर एक दूसरे को मारने काटने की बात की तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए शास्त्री जी, ऐसा मत। हमें माफ कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या करूं मैं? मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप दोनों ने आपस की दुश्मनी में क्या क्या खो दिया है। दुर्गा ने अपना भाई खोया, रंजीत ने अपनी बहन खोई, फिर भी आपकी आपस की दुश्मनी कम नहीं हुई। आज ये सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं कि कैसे शिष्य हैं आप मेरे, अभी तक अपनी दुश्मनी नहीं बुला सके। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। कीजिए शास्त्री जी। नहीं नहीं शास्त्री, हमें आपकी बात मंजूर है। हमें आपकी बात मंजूर है। विक्रम, अपने ससुर का आशीर्वाद नहीं लोगे? बहू, आशीर्वाद नहीं लोगे? पिताजी जी तरफ। माँ बेटा सुखी रहो बेटा। चलो बेटे अपने घर चलो। नहीं रंजीत सिंह नहीं, मैं बारात को अपनी हवेली पर ले जाना चाहता हूँ। मेरी इकलौती बेटी है, बारात आएगी और शादी करके ले जाएगी। रजनी चलो चलो, लक्ष्मी मैं भी बारात की तैयारी, हमें शादी की तैयारी करनी है।